आप मुद्दा उठा रहे थे, आपका ये कहना था कि बारिश के दिनों में आपको पानी नहीं मिल पा रहा है और आपके वार्ड में लोग परेशान हो रहा है, किसान भी समिति में आपका बड़ा मुद्दा उठाया, तब जनप्रतिनिधि और नगर पालिका से कुछ नहीं होगा क्या लगता है? पानी से लोग परेशान हो रहा है आपके वार्ड में, लोग जैसा किसान समिति मुद्दा उठाए जी? मेरे वार्ड में तो बहुत अधिक ही हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल क्या पूरे ही नगर बेगमगंज में आदि परेशान है। जिस टाइम पर गर्मी के मौसम में पानी की समस्या पूरे भारत में आई तो सब ने एक्सेप्ट करा और हमारे नगर के कई समाजसेवी लोगों ने भी मदद करी उस टाइम पर। लेकिन अभी पर्याप्त मात्रा में पानी है नगर बेगमगंज के अंदर, लेकिन उसके बाद भी तकरीबन जब से ये समस्या उत्पन्न हुई अभी तक दो दो तीन तीन दिन छोड़ के पानी दिया जा रहा है और काफ़ी हद तक पक्षपात भी करा जा रहा है यहाँ पर। और मेरे वार्ड में तो अभी जब से परिषद का गठन हुआ, मैं एक एक क्लेम के लिए, एक एक बाल के लिए कई बार आवेदन दे चुका हूँ, मौके दे चुका हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और पानी की समस्या तो ऐसा है कि मेरा पूरा ही वार्ड पठार के ऊपर है और जहाँ पे पानी का कोई और दूसरा स्रोत नहीं है, ना तो कोई नल है ना बोर है, केवल एक पानी की टंकी पे हम लोग डिपेंड हैं पूरे वार्ड के लोग। और वार्ड के लोग हर रोज़ मेरे घर पे समस्याएं लेके आते हैं, लेकिन उसका कोई निराकरण अभी तक नहीं कर पा रहे। मेरे जहन में एक बात आ रही है कि जब जनप्रतिनिधि कुछ नहीं होगा नगर पालिका के कार्यप्रणाली से, ऐसे में बारिश है, जल स्रोत पूरे भरे हुए हैं, नदी नाले खुले हैं, और ऐसे में मतलब आप कह रहे हैं एक दिन बीच या दो दिन बीच लोगों को पानी मिल पा रहा है, तो यही मामला था, यही वजह थी जो आपने आज शांति समिति में ये बड़ा मुद्दा उठाया? जी भाई साहब, यही समस्या थी और अगर ये समस्या जल्दी हल नहीं हुई तो हमारे वार्ड के लोग और नगर के लोग मेरे साथ अगर आएंगे, और नहीं भी आएंगे तो मैं खुद अकेला स्वयं इतना सक्षम हूँ कि मैं नगर पालिका के सामने मैं और मेरी पत्नी श्रीमती रिजवाना भी धरने पर बैठेंगी और हम जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम नगर पालिका के सामने से धरने पर नहीं। कौन कौन से और मुद्दे होंगे पानी के साथ साथ, क्योंकि पानी तो पर्याप्त मिल ही नहीं पा रहा है वार्ड में, और जैसा कि आप भी समझते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार करोड़ों रुपये नल जल योजना के माध्यम से खर्च करती है, सबसे ज़्यादा बजट भी पानी पे ही आता है, वैसे में बारिश के दिनों में भी आपके वार्ड में लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा? सर जैसा आप जैसे जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अमृत योजना के तहत तकरीबन 10 करोड़ के आसपास की योजना नगर पालिका बेगमगंज में आई और अभी तक किसी भी जो पाइपलाइन मेरे वार्ड में तो अभी एक इंच भी नहीं डली है कहीं भी, और जैसा कि और सुनने में देखने में भी आ रहा है कि जो भी पाइपलाइन डल रही है वो बेगमगंज से हट के जो दूसरी न्यू कॉलोनी है बनी है, जो कि अभी उनका शायद अभेदी है वो कॉलोनी, ज़्यादातर काम उधर ही हो रहा है, इधर कभी कोई काम उसका हुआ नहीं। तो आपका ये कहना है कि अगर समय रहते अगर प्रशासन नहीं जागा और पानी की समस्या का समाधान नहीं किया तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा, ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर ये समस्या का हल नहीं हुआ तो मैं और मेरे नगरवासी और वार्डवासी सब मिलकर हम नगर पालिका के सामने इधर पर हड़ताल पर बैठेंगे और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम हड़ताल से नहीं होंगे। कौन से वार्ड से प्रतिनिधि हैं आप? जी वार्ड क्रमांक 9 और नगर पालिका भी मेरे वार्ड में आती, और उससे भी हास्य बात तो ये है कि मेरे खुद के ही वार्ड में स्वयं पानी की टंकी है, उसके बाद भी मेरे लिए पानी नहीं मिल रहा है। मतलब दो बातें आप सामने रख रहे हैं कि नगर पालिका खुद जो आपके वार्ड में है, जी जी। दूसरी बात जो आप रख रहे हैं कि जो बड़ी टंकी जहाँ से पानी सप्लाई होता है वो भी आपके वार्ड में है, फिर भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा? नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कभी ना कभी जब भी देखो तो कभी पानी के लिए लाइट की समस्या बताते हैं, कभी साफ टूटी है, कभी ये, और अभी किससे भी बुरा हाल ये कि आप इंटरवेल पर जाने के अभी देख लीजिए ऐसी कंडीशन में उधर के कर्मचारी काम कर रहे हैं कि वो अपनी जान से खेल के काम करते हैं, पूरी वायरिंग ओपन है, लाइट ओपन है, और जो इधर के हमारे इलेक्ट्रिक इंजीनियर मालवी जी जो हैं अभिषेक मालवी जी, तो आप उनसे भी संपर्क करो, उधर जाके देखो आप शांति समिति में आपके साथ और भी प्रतिनिधियों ने मुद्दे उठाए थे, क्या जब जनप्रतिनिधि है अगर नगरीय प्रशासन में बात संतुष्ट नहीं हुई तो आमजन का क्या होगा? ऐसे में सरकार पे भी लोग मैं कह सकता हूँ कि उंगली उठा रहे, वो तो उठाएंगे जब हम लोगों के काम नहीं होंगे। आज हम जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जा रही है तो आम नागरिकों की बात कैसे सुनी जाएगी, और कैसे कोई भरोसा करेगा प्रशासन और सत्ता तक?